फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडमायर ब्यूटी और मैं हूं अंजलि। फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ कमाल का बनाया है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत सारी वीडियोस ढूंढी भी होगी आपने इंटरनेट पर, सब कुछ कर लिया होगा लेकिन असर नहीं मिला होगा। इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ कि आज जो मैंने रेमेडी बनाई है ना फ्रेंड्स, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। आप में से बहुत सारे लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे रिक्वेस्ट आती थी कि हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दीजिए। बता देती हूँ कि क्या है आज की रेमेडी। तो आज की रेमेडी है फ्रेंड्स, अपने ग्रे हेयर को आप ब्लैक कैसे बना सकते हो, वो भी नेचुरली। फाइनली मैंने नेचुरल डाई का फॉर्मूला बना लिया है, यूज़ भी करा है। इस वीडियो में मैं आपको रिजल्ट्स के साथ दिखाने भी वाली हूँ बालों पे ट्राई करके। और क्या चाहिए, आपको ट्रस्ट हो ही जाएगा कि फेक वीडियो नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, वो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी अपने स्किन टैग्स के ऊपर, तो उसका रिजल्ट आ गया है। 2-3 दिन के अंदर ही मेरा जो स्किन टैग है वो निकल गया है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने निकाल कर अलग रख लिया है। तो ये रहा मेरा स्किन टैग जो कि मेरे नेक पर था। है तो मुझे 3, बाकी के जो 2 स्किन टैग हैं वो अभी हैं, लेकिन वो भी ख़त्म होने वाले हैं, निकलने ही वाले हैं। ये निकल आया है तो मैंने आपको दिखा दिया है। बहुत कमाल का रिजल्ट रहा है फ्रेंड्स इसका। जो स्किन टैग्स होते हैं, मस्से की प्रॉब्लम जो होती है आजकल कॉमन होती है और निकल ही आते हैं सबको। कैसे आप 2-3 दिन के अंदर, वो भी बिना किसी फालतू पेन के, जलन के, निकाल सकते हैं टैग्स को, मैं अपनी वीडियो में आपको जरूर जल्दी से जल्दी बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, मेरी वीडियो को देना एक थम्स अप, नीचे एक रेड बटन है उसे प्रेस जरूर कीजिए ताकि आप मेरी एडमायर ब्यूटी की फैमिली के साथ जुड़ सकें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकें। उसके बराबर में ही है बेल आइकन, अगर आप उसे दबाएंगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी और आप मेरी वीडियो मिस नहीं करोगे। सो विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है और लोहे की कढ़ाई के अंदर अभी मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच आंवला पाउडर। इस बात का ध्यान रखें कि आप चाहे बाजार से लें चाहे ऑनलाइन लें, लेकिन आंवला का पाउडर एकदम प्योर होना चाहिए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पर चाय पत्ती, और चाय पत्ती को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर एकदम बारीक पीस लिया है। तो 2 चम्मच ही मैं यहाँ पर ये चाय पत्ती ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, चाय पत्ती थोड़ा सा फूलती है तो इस बात का ध्यान रखें, जो पाउडर है एकदम बारीक होना चाहिए। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑन, और उसके बाद ये जो दोनों पाउडर हैं इनको इस पर रोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। और इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये एकदम ब्लैक नहीं हो जाते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मंदी आंच पे करें क्योंकि पाउडर है, पाउडर जल्दी जल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ये ब्राउन में कन्वर्ट हो गया है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया है। हम इसे थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पर देखिए एकदम से ब्लैक हो गया है ये पाउडर, और जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा हो गया है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। फ्रेंड्स, इस पाउडर को आप ठंडा करके कंटेनर में भर के रख लें तो आपको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए पाउडर ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन हमें इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ही गर्म रहना चाहिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये हिना, 100% प्योर हिना लिया है मैंने यहाँ पर, ये नूपुर का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 बड़े चम्मच हिना पाउडर। और इसे मिक्स कर देंगे पाउडर के अंदर। हिना अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। फ्रेंड्स, अभी हमारा पाउडर गर्म है तो मैं नॉर्मल पानी ले रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सर ठंडा हो चुका है तो आपको इसके अंदर ऐड करना है गर्म पानी। तो मैंने इसलिए बोला था कि इसको ठंडा ना करें पूरी तरीके से, वरना आपको पानी गर्म करना पड़ेगा दोबारा। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी को इन पाउडर्स के अंदर, लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करें और पेस्ट बना लें इसका। पेस्ट तैयार हो चुका है तो अब हम इसे एक प्लेट से ढक देंगे। हमें इस पेस्ट को पूरी रात ऐसे ही भिगा कर रखना है, तो इस कढ़ाई को अब एक जगह रख दूँगी मैं। अभी सुबह हो चुकी है तो ये प्लेट हटाकर देखते हैं, और आप देख सकते हैं ये ब्लैकिश कलर दे रहा है साइड से। फ्रेंड्स, लोहे की कढ़ाई मिक्स करने का यही बेनिफिट है, तो ये जो मिक्सचर है ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और स्पून से ये सारा ब्लैक कलर मैं इस पैक में ले आऊँगी।
ना ही सिर्फ ये आपके बालों को कलर देगा बल्कि ये उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, उनको सिल्की सॉफ्ट स्मूथ बनाने में भी हेल्प करेगा और नेचुरली आपके बाल जो होंगे ना वो अंदर से ही ब्लैक आने शुरू हो जाएंगे अगर आप ये डाई लगाएंगे तो। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं एक नेचुरल और बेस्ट इंग्रेडिएंट जो कि है ये खादी का इंडिगो लीफ पाउडर। फ्रेंड्स इंडिगो क्या होती है, इंडिगो एक लीफ का पाउडर होता है जो कि आपके बालों को नेचुरली कलर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच ही इंडिगो पाउडर भी मिला रही हूँ। इस पाउडर को कभी भी आप अकेले ना लगाएं क्योंकि ये बालों को ब्लू कलर देगा, इस पैक के साथ ये बालों को देगा ब्लैक कलर। अब इंडिगो पाउडर को घोलने के लिए हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी नहीं डालना है आपको, गर्म पानी डालना है और गर्म पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी पेस्ट में। फ्रेंड्स ये नेचुरल डाई का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, हमें इसे 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ना है ताकि ये सब अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाएं और 30 मिनट्स के बाद हम ये पेस्ट अप्लाई करेंगे। पेस्ट अप्लाई करने के लिए अपनी मदर इन लॉ के बाल ही दिखा रही हूँ मैं आपको क्योंकि मुझे तो वाइट हेयर है नहीं, तो मेरी मदर इन लॉ के भी ज़्यादा वाइट हेयर नहीं है क्योंकि अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखती हैं ये, तो काफ़ी कम है लेकिन हैं इनको ग्रे हेयर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहे हैं ये ग्रे हेयर। आपको भी कहती हूँ ना डाइट पर थोड़ा ध्यान दें, ये 50+ हैं तब भी इनके ज़्यादा ग्रे हेयर नहीं है। तो यही मैंने ले लिया है अपना मास्क और अभी अपनी मदर इन लॉ के सर पर मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो हेयर के सेक्शन कर करके आप इस पेस्ट को बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करें जहाँ पर आपके जो वाइट हेयर हैं ग्रे हेयर हैं वहाँ पर, तो आपको खासकर बहुत ही अच्छे से ये पेस्ट अप्लाई करना है ताकि वो सब ब्लैक हो जाएं। आप चाहें तो ये मास्क ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप हाथ से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ग्लव्स पहन लीजिए क्योंकि थोड़ा कलर चढ़ जाएगा हाथों पर। तो इस तरीके से आप ये सारे ग्रे हेयर को कवर कर लें इस मास्क से। तो अभी मैं फटाफट से अप्लाई कर देती हूँ मैं अपनी मदर इन लॉ के सारे बालों में। पीछे की तरफ भी जहाँ भी आपके ग्रे हेयर हैं बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करें, सारे बालों पर अच्छे से अप्लाई कर लें क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के ज़्यादा ग्रे हेयर नहीं है नीचे से, तो मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ। आपके ग्रे हेयर ज़्यादा हैं नीचे तक हैं तो बिल्कुल अच्छे से लगाएं और ज़्यादा सा मास्क बनाएं। और मेरी मदर इन लॉ को इतना मज़ा आ रहा है कि वो सो ही गई है। अप्लाई करने के बाद इस तरीके से एक पॉलीथीन लगा लें अपने बालों पर। इस मास्क को लगाने के बाद आपको इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ना है और 2 घंटे बाद इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, शैम्पू नहीं करना है। 2 घंटे बाद हेयर वॉश करके हेयर सुखा लिए हमने और आप देख सकते हैं इस डाई का असर, कितने सारे बाल इसने कवर कर लिए हैं। आपको ग्रे हेयर उस टाइम क्लियर दिख रहे थे, अब आप क्लियरली देख सकते हैं जो ग्रे हेयर हैं काफ़ी कवर हो चुके हैं, कलर आ गया है उन पर। 1 या 2 शेड और लगाएंगे आप इसके, 1-2 बार और यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ब्लैक कर देगा ये आपके बाल। अभी हल्का सा ब्राउन शेड दिया है इसने। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें शैम्पू बिल्कुल नहीं करना है, अगर आप शैम्पू करोगे तो जो नेचुरल कलर आपके बालों में आएगा वो शैम्पू के साथ निकल जाएगा और इतने अच्छे से नहीं कलर हो पाएंगे बाल। तो आपने देखा मैंने डेमो भी दिया है आपको, नेचुरली इससे ब्लैक कलर आया है बालों में और आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके ग्रे हेयर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे और वो उनका नेचुरल कलर आएगा। आप देखते होंगे डाई लगाने के बाद अजीब से बाल लगते हैं, ओवर ब्लैक लगते हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, एकदम नेचुरल कलर देगा ये बालों को। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप हर वीक ये ड्राई लगाएं और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का कमाल का हेयर ड्राई का वीडियो, जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है। ये ना ही सिर्फ आपके बालों को ड्राई करेगा बल्कि उन्हें नेचुरली ब्लैक होने में भी बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली जो बच्चे हैं आजकल जिनके बाल ग्रे हो जाते हैं और एज से पहले ग्रे हो जाते हैं उनको तो बहुत हेल्प करने वाली है ये वाली डाई। तो फ्रेंड्स इसका असर 1 से 2 बार में आपको क्लियरली दिखाई देगा लेकिन आपको ट्राई करना है यही डाई। अगर आप केमिकल वाली डाई लगाते हैं अपने बालों में तो बिल्कुल छोड़ दीजिए क्योंकि वो स्किन को इरिटेट करता है, आपके बालों को और ज़्यादा सफ़ेद बनाता है। तो नेचुरल चीज़ों के लिए जाइए क्योंकि वो और ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो आज की तो क्या करना है, इसे देना है 1 थम्स अप, नीचे एक रेड बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरी वीडियोस के साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत 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 अच्छी अच्छी रेमेडीज लाने वाली हूँ। स्किन टैग की वाली जो वीडियो है वो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।